सभी भाइयों को जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। जी हाँ दोस्तों, पीछे आप नजारा देख पा रहे हो, सुंदर मनमोहक दृश्य। ये है अयोध्या नगरी का, जो कि पूरी तरीके से सज चुकी है और अभी भी सज रही। आप देखिए, रात का नजारा काफी सुंदर है। मैं तो देख के भाई प्रफुल्लित हो उठा और मैं उत्साहित था कि कब मैं पहुंचूंगा प्रभु श्री राम की नगरी में। तो मैं आ चुका हूँ राम जी की नगरी में। बहुत ही प्यारा लग रहा है हमको आज यहाँ पे। यहाँ की रोडें, स्वच्छता, सफाई इतनी गजब की हुई है भाई, आप देख ही सकते हो, क्या अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ पे भक्तों की बात करें तो भक्त जो है वो जो है पूरे भारत से यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या को रात का एक्सप्लोर करेंगे कि रात में प्रभु श्री राम की नगरी कैसी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा। बिना देरी के साथ इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो भाई अभी हम निकल आए हैं रूम से आने के बाद ये है क्या माला चाहिए रुद्राक्ष का। ये देखिए भाई, कुछ सुंदर नजारा रात को आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से कुछ अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम जी की दिखती है रात में। काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ पे भैया जलेबियाँ निकालते हुए नज़र आ रहा है। रातों को काम यहाँ पे चल रहा है भाई, क्योंकि 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होना है, इस वजह से आप देख सकते हो। आंटी जी, कैसा लग रहा है अयोध्या में आपको? जुकाम हो गया, ठंड ठंड तो होगी ही। यहाँ पे सरयू नदी है ना पास में, तट पे हो ये आ चुके। जय श्री राम भैया, कैसे हो? चलो ऑटो करते हैं, ऑटो पे बैठते हैं। तो भैया अभी हम टुक टुक पे बैठ चुके हैं, मित्र भी बैठा है इधर। आंटी जी, कैसा लग रहा है टुक टुक पे? हम भैया बहुत बैठे। टुकटुक ही रिक्शा। देखो भाई, दुकानों का लुक ही चेंज हो गया, कलर ग्रेजुएशन जो है ना बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, एक नंबर का लग रहा है इधर। उस बार आए थे, कितना टूट गया, ये सब टूटा हुआ था, लेकिन इतनी चलने की रास्ता नहीं थी यहाँ पर चलने की, तोड़ के इधर होगा, तोड़ के भी सबके सेम है। हाँ, तोड़ने का मुआवजा दिया है, ठीक है। अच्छा, बाद ये जो फ्रंट में जो डिजाइन है ना, ये गवर्नमेंट ने करवाई और कलर वगैरह, जैसे तुम्हारे जयपुर में है ना, दीवार के अंदर जितनी रहेंगी एक ही कलर की रहेगी। 10 किलोमीटर में ऐसा ही दिखेगा अपने। अच्छा, हमने भी इन दुकान वालों से बात की है। वो बहुत गजब लग रहा है भैया। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं यहाँ पे अभी राम पैड़ी के सामने, और यहाँ पे चल रही है रामायण, आप देख सकते हो। और अभी हम चल रहे हैं राम पैड़ी पे, इधर आई लव अयोध्या का सेल्फी पॉइंट है, अभी हम वहाँ पे चलेंगे। तो भाई हम आ चुके हैं, अभी इधर है सेल्फी पॉइंट आई लव अयोध्या का, इधर लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत भाई लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो रात का दृश्य अयोध्या का, आप देख सकते हो रातों दिन यहाँ पे काम चल रहा है और लोग किस तरीके से सेल्फी वीडियो बनवा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। ये देखिए, सभी फोटो क्लिक करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे लगा है आई लव अयोध्या का सेल्फी पॉइंट, अभी सभी लोग फोटो यहाँ पे क्लिक करवा रहे हैं, मैं भी क्लिक कराता हूँ यहाँ पे। तो भैया आप देख सकते हो, ये है राम पैड़ी का रात का नज़ारा, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऊपर आप देख पा रहे हो उधर लाइटिंग सिस्टम है, और इधर आप देख सकते हो LED लगी हुई है, और जिसमें जो है प्रदर्शनी दिखाई जाती है। फिलहाल यहाँ पे डिबेट कल हो रही थी, अंजना ओम कश्यप वगैरह यहाँ पर थी, लेकिन आज तो फिलहाल कुछ नहीं है। हमारे मित्र लोग आए थे, वो बोल रहे थे कल देखा था इन्होंने यहाँ पे डिबेट वगैरह चल रहा था, है ना भाई? भाई, कल डिबेट चल रहा था? बिल्कुल, कल आज तक का डिबेट चल रहा था, अंजना ओम कश्यप थी यहाँ पे, हल्ला बोल का प्रोग्राम। अच्छा, हल्ला बोल चल रहा था आज तो फिलहाल तो क्लियर है, मुझे लग रहा खत्म हो गया। अच्छा, तैयारी हो रही है, अच्छा उधर तैयारियाँ हो रही है।
अभी देखो कब डिबेट चालू हो। तो भैया तैयारियां हो रही हैं डिबेट की, उस साइड में वहां पे तैयारी चल रही है। नहीं, उस साइड में तैयारियां हो रही हैं डिबेट की। ये देखिए भाई, महंत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हुआ इधर इस साइड है? बच्चा है? छोटे बच्चे का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ। तो भाई साहब यहाँ पे अभी डिबेट स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हो कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं, हर एंगल से नहीं, हर एंगल में रखा हुआ है कैमरा, एक ना एक। लाइव चलेगा यहाँ से। क्या लिखा है? राम मंदिर। प्रोजेक्टर से लाइटिंग, गाड़ी वाड़ी सब खड़ी है। तो भैया ये है आज तक वालों का सेटअप, आप देख सकते हो। कल के दिखाऊं? सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ था और कुछ वीडियो मैं ले लूँगा अपने दोस्त से, वो देखने को मिलेंगी। तो भाई साहब यहाँ पे आंटी जी जो है भुट्टा खाने वाली हैं। यहाँ पे मिल गया का? फ्रेंड देखिए, हाँ। तो भाई साहब चलते चलते हम आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक पे, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वीड़ा रखा हुआ है सामने, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पे फोटो लिया था। यहाँ पे देखिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग, जय श्री राम जय श्री राम। ये है कुछ रात का दृश्य। कैसा लग रहा चंदू आपको? बहुत बढ़िया, बहुत चेंजेस हो गए अयोध्या में, बहुत परिवर्तन लग रहा है। यूपी यूपी है? अरे बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया यूपी, बहुत ज्यादा बदल गया। कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब इधर है, लंबू भाई साहब। हाँ। कैसा लगा हमारा अयोध्या? अरे बहुत अच्छा, मजा अच्छा लगा। चले उस साइड, वो गोले जल रहे कि नहीं? तो भाई साहब आप देख सकते हो हम अभी लता मंगेशकर चौक पे आ चुके हैं, और यहाँ पर चारों तरफ जय श्री राम के नारे की गूंज कानों में सुनाई दे रही है। और यहाँ पे जितने भी आप लोग देख पा रहे हो ना, ये सभी के सभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं हमारे प्रभु श्री राम जी के। आप देख सकते हो भैया कितना, ये देखे यहाँ पे एक LED लगी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राम पैड़ी लिखा हुआ है, राम की पैड़ी। तो भैया आप देख सकते हो कि अभी हम लोग चौक पर ही हैं, कि यहाँ पर सिमरन को बहुत से लोग जो है फैंस मिल चुके हैं। यहाँ पे सिमरन के लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, कोई भैया बोल रहे हैं इंटरव्यू लेना है, सभी लोग यहाँ पे कैमरा वाले भैया खड़े हैं इंटरव्यू के लिए बोल रहे हैं। तो ठंडी इतनी ज़्यादा है, खड़ा नहीं खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। और इधर भाई साहब ये जो पथ है ना, काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत है, रात में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये जल नहीं रहे, अगर इसमें लाइट जले तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई। आंटी जी आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी लग रही है? ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ का जो डेकोरेशन है बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये है अयोध्या नगरी, यहाँ पे सारी दुकानें सेम हो चुकी हैं, और जो कलर है ना वो भी सेम कर दिया गया है। यहाँ पे जो शटर है, शटर में किसी ना किसी प्रकार से आप देख सकते हो कलाकारी की गई है, चित्रकारी की गई है। और जो नेम प्लेट है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये सब पर एक ही तरह की नेम प्लेट है, सिर्फ नाम चेंज है। तो कैसी लगी आपको अयोध्या हमें ज़रूर बताना है। सामने है इधर हनुमानगढ़ी, आप देख सकते हो ये मंदिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये देखिए आंटी जी यहाँ पे मोमोज वगैरह खाने जा रही हैं, क्योंकि इनको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टीम वाले मोमो। ये नहीं खाता ये, इसको कितना ही कोशिश। भाई साहब अयोध्या में देख सकते हो किस तरीके से दुकानों पर रातों दिन काम चल रहा है, यानी 24 घंटा यहाँ पे काम चल रहा है। देख सकते हो किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं जोरों शोरों से। सामने ये मंदिर आप लोगों ने रील वगैरह में देखा होगा, काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है।
सब ये दुकानों का काम चल रहा है। हाँ भाई, हमारा अयोध्या तो है और हमारा उत्तर प्रदेश तो ऐसा है, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ अब खुदेगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया जो राम नगरी है प्रभु श्री राम जी की, वो रात का नज़ारा दिखाया। अभी तो दुकानें बंद हो चुकी, तो लाइटिंग सिस्टम पूरा मतलब बंद हो गया है, बाकी मैंने आपको दिखा ही दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और जय श्री राम जरूर लिखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।